इंडियन फिल्म मेकर्स का जितना तारीफ की जाए उतना कम है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कल्कि 2898 एडी मूवी के बारे में। इस मूवी की जर्नी और मार्केटिंग, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुँचाई ये मूवी, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग है, ऐसा मुझे लगता है। ये सबसे बड़ी बजट की फिल्म है इंडिया में और साईफाई मूवी है। कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें थोड़ा सा माइथोलॉजी भी ऐड है। इस तरह की मूवी को लोगों तक पहुंचाना और सिर्फ उसको बोलते हैं ना एक गॉड का एंगल है, तो उस तरह से नहीं बेच के इन्होंने पूरी तरह से अलग ही मार्केटिंग की है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम रिवील नहीं किया, कि प्रोजेक्ट के द वर्ल्ड इज़ वेटिंग ऐसा एक पोस्ट डाला, फिर व्हाट इज़ प्रोजेक्ट के ऐसा बिल्डअप दिया, उसके बाद थोड़े से ग्लिम्स डाले सिर्फ क्या है मूवी में, कुछ नहीं, एक डायलॉग भी नहीं, सिर्फ मूवी के कुछ सीन्स। उसके बाद आते हैं एक एक कैरेक्टर कि भैरवा कौन है और अश्वत्थामा कौन है, और वो भी जो कैरेक्टर है, जो कलाकार है, उनको दिखाने का तरीका ये भी बहुत यूनिक है। उससे ज़्यादा हद तो तब होती है कि जो मूवी में छोटी मोटी चीज़ है उसका भी वो मार्केटिंग का एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि बुझी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इस मूवी में है, जो 6 टन की है, और वो महिंद्रा और JA मोटर स्पोर्ट्स ने बनाई है। और अमेजिंग, मतलब एक ऐसी चीज़ बनाना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो फिल्म मेकर बता रहा है उसके हिसाब से वो मॉडिफाई कर रहा है। एक तो होता है कि डिज़ाइनर खुद बनाता है, डिज़ाइन करता है, कॉर्नर को थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करता है और बनाता है। ये पूरा न्यू कंसेप्ट है, कोई एक बता रहा है चीज़ और उसको लेके हमें उस विजन के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से बिल्ड करना है, ये अलग बात है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और वो भी बजट का ध्यान रखते हुए, मूवी के बजट का ध्यान रखते हुए। तो 600 करोड़ का बजट है, जो अलग हम MCU वगैरह जो हाई बजट फिल्म देखते उससे बहुत ज़्यादा कम ये बजट है, और फिर भी ये इतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं मूवी से पहले। पहले तो बुझी उसके तो उन्होंने एपिसोड्स लॉन्च किए हैं प्राइम पे, जो सीरीज़ बनाई है, तो वहाँ से वो लोग बच्चों को, या फिर जो बच्चों से ज़्यादा तो हम ही अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बच्चों को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश में डब हुआ है, मतलब US में भी उनका थोड़ा सा वहाँ पे मूवी देखने से पहले एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की मूवी है। और इस मूवी का थोड़ा कंसेप्ट भी अलग है, और जो कैरेक्टर है प्रभास का वो भी थोड़ा अलग लग रहा है। मतलब नॉर्मली थोड़ा सा रफ एंड टफ दिखाते हैं, मुझे पोस्टर देख देख के ऐसा लगा कि थोड़ा एंग्री वाला कैरेक्टर है क्या, लेकिन नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी और थोड़ा हल्का फुल्का बोल सकते हैं, एकदम लाइट चिल मैन का कैरेक्टर है ऐसा लग रहा है अभी तो सीरीज़ देख के। मूवी में पता नहीं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल तरीका मार्केटिंग का, कि पहले तो प्रोजेक्ट का नाम नहीं रिवील करना, बाद में एक एक कैरेक्टर को रिवील करना। प्रोजेक्ट का नाम के प्रोजेक्ट है तो कल्कि, और भैरवा, मुझे लगा प्रभास का नाम कल्कि हो सकता है, लेकिन ये कल्कि क्या है वो भी पता नहीं। और काली एज अ कमल हसन, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया, कास्ट भी बहुत तगड़ी है। तो ओवरऑल सब चीज़ें तगड़ी दिख रही है, अभी मूवी देखते हैं कैसी होगी। वैसे तो अपडेट्स वगैरह बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता, लेकिन मैं ये बना रहा हूँ बिकॉज पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड मूवी है, और बहुत ही यूनिक तरीका है इनका, नॉर्मल नहीं है। ऐसा ही यूनिक तरीका मुझे पुष्पा का भी लग रहा है, तो शायद मैं पुष्पा के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। ऐसी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता हो तो एक लाइक करके बता दो, हम करेंगे और करेंगे। और अगला वीडियो आएगा लापता लेडीज, इस मूवी का रिव्यू, अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिए मैंने रिव्यू जल्द डालता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, थिएटर्स में भी जाके देखना, पायरेटेड मत देखना। क्या है ना, अपना मैजिक बहुत है अपने पास, लेकिन ये मूवी पैन इंडिया है, पैन वर्ल्ड है, तो थोड़ा हम भी सपोर्ट करते हैं एज अ मूवी फैन।